निगलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार स्टेट से संबंधित है। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन अभ्यर्थियों के बारे में जो अभ्यर्थी उत्तीर्ण है यानी क्वालिफाइड हैं लेकिन नॉट इन मेरिट लिस्ट में है, बहुत ज़्यादा वो परेशान थे, उन्हीं से संबंधित ये अपडेट है। शायद आज ये अपडेट जानने के बाद शायद थोड़ी सी खुशी आपके चेहरे पर जरूर आएगी, निश्चित ही आएगी। चलिए देखते हैं क्या कुछ अपडेट है। ये न्यूज़ जो हमने लिया है दैनिक भास्कर से लिया है और ये मात्र 24 मिनट पहले का है, यानी जल्द ही अपडेट किया गया है और बहुत बड़ी खुशखबरी है उन अभ्यर्थियों के लिए जो नॉट इन मेरिट लिस्ट में है, इसलिए हम अपडेट इतनी तेज़ी से दिखा रहे हैं। इसके साथ ही हम बताते चले कि आप सभी ने बहुत सारे ऑडियो, बहुत सारी चीज़ आपने शेयर किए हैं लेकिन हम इतने ज़्यादा व्यस्त हैं कि आपको समय पर अपडेट नहीं दे पा रहे हैं, साथ ही उन ऑडियो को भी सुन नहीं पा रहे, आपका रिप्लाई भी हम व्हाट्सएप वगैरह पर नहीं कर पा रहे, तो थोड़ा सा समय और दीजिए। जल्दी हम फ्री होने की कोशिश करेंगे, यानी 25 के बाद हम फ्री होने की कोशिश करेंगे, उसके बाद सारे अपडेट अच्छे तरीके से आएंगे, आपके ऑडियो वगैरह भी सुने जाएंगे। चलिए विशेष अपडेट जो है वो हम आपको बता देते हैं। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी का बड़ा बयान, स्टेट में पास सभी अभ्यर्थी शिक्षक बहाली के पात्र होंगे। जी हाँ, आपने सही सुना और सही देखा, स्टेट में पास सभी अभ्यर्थी यानी अगर आप क्वालिफाइड हैं और साथ में नॉट इन मेरिट लिस्ट में हैं, आप क्वालिफाइड हैं मेरिट लिस्ट में भी हैं तो दोनों अभ्यर्थी इसके पात्र होंगे। इसके साथ ही स्टेट 2012 के बारे में भी है लेकिन आगे है, चलिए उसको भी दिखाएंगे कि पात्र होंगे। सरकार ने फैसला कर लिया, यानी सरकार ने ये फैसला कर लिया, जल्द जारी होगी अधिसूचना। अधिसूचना के बारे में ज़्यादा नहीं बताया गया कि जल्द जारी होगा, इसके बारे में बताया गया। आगे देखते हैं क्या कुछ लिखा गया है। तो आगे लिखा गया है, बिहार के माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी स्टेट में उत्तीर्ण होने वाले सभी अभ्यर्थी आगामी शिक्षक बहाली के लिए पात्र होंगे। जब भी आगामी स्टार्ट होगा शिक्षक बहाली, उसके लिए पात्र होंगे। इसमें स्टेट 2011 और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा 21 जून को जारी स्टेट 2019 की दोनों प्रकार की सूची के अभ्यर्थी शामिल हैं। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने भास्कर को ये बड़ी जानकारी दी है कि सूची में जो दो प्रकार की सूची जो जारी किया गया, वो दोनों प्रकार की सूची वाले जो अभ्यर्थी हैं वो शामिल है, साथ में एस्टेट 2011 वाले अभ्यर्थी भी शामिल है। इसके साथ ही आगे लिखा गया है, इसे लेकर सोशल मीडिया से सड़क तक अभ्यर्थियों ने आंदोलन ही नहीं किया था बल्कि कोर्ट जाने की धमकी भी दी थी। जी हाँ, आज हमने एक वीडियो भी डाला था, आपने देखा होगा, जिसमें सड़क पर अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे, साथ में उन्होंने कोर्ट में भी जाने की धमकी दी थी कि उन्हें अब कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। कोर्ट ही, देखिए एक चीज़ क्लियर रखिए, कोर्ट ही सॉल्यूशन नहीं है, पहले बातचीत से आप बात को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। अगर उससे हो जाता है तो निश्चित ही मामला शांत हो जाता है और ये इन्होंने अभ्यर्थियों ने ये कदम उठाया जो उनके हित में रहा। अगर कोर्ट जाएंगे तो लंबा चलेगा, फिर किसी की बहाली नहीं होगी, आप ये चीज़ छठे चरण में देख चुके हैं। इसके आगे लिखा गया है, बुधवार को अभ्यर्थियों ने अपनी मांग को लेकर पटना में सचिवालय के पास खूब नारेबाजी की, इसके बाद शिक्षा मंत्री ने मामले को निपटारे का आश्वासन दिया था। अब आगे लिखा गया है, जो भी क्वालिफाई सभी 7वें शिक्षक नियोजन के पात्र। मंत्री विजय चौधरी ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर निर्णय कर लिया है, एस्टेट 2019 की एस्टेट में जो भी क्वालिफाई किए हैं वे सभी 7वें शिक्षक नियोजन के लिए पात्र होंगे, चाहे वे बोर्ड द्वारा जारी सूची क्वालिफाइड एंड इन मेरिट लिस्ट हो या क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट में हो। यानी क्वालिफाइड करने के साथ अगर मेरिट लिस्ट में है, यानी उनका कुछ अंक दे के मेरिट लिस्ट दे दिया गया है, वो हो या वहाँ नॉट इन मेरिट लिस्ट लिखा गया हो वो हो, दोनों शामिल होंगे जब भी 7वें चरण शिक्षक नियोजन बहाली प्रक्रिया चलेगी उसमें। विभाग ने निर्णय ले लिया है और जल्द ही अधिसूचना जारी कर देगा, यानी जल्द ही इसकी अधिसूचना जारी हो जाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग NCT का पूरी तरह से अनुसरण करता है, इसको लेके पहले ही एस्टेट पात्र अभ्यर्थियों की मान्यता लाइफ टाइम की जा चुकी है, इसलिए ऐसे 7वें शिक्षक नियोजन में 2011 में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले भी अगले चरण की बहाली में आवेदन कर सकेंगे और इसके साथ ही एस्टेट 2011 वाले अभ्यर्थी भी शामिल होंगे। इसके बाद प्रदर्शन के बारे में बताया गया है, तो प्रदर्शन के बारे में बताया गया, फिर उसके बाद से अपडेट दिया गया, आपका 15 विषयों की हुई थी परीक्षा, इसके बारे में दिया गया है कि कितने उम्मीदवार अभ्यर्थी उसमें पास हुए थे, यही सारे न्यूज़। तो ये था पूरा न्यूज़, इसको मैं और क्लियर ढंग से और अच्छे तरीके से मैं बता देता हूँ कि ये पूरा मामला है क्या।
देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि तीन विषय छोड़ के इससे पहले रिजल्ट जारी किया गया था, उसमें जो भी अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए थे सभी को कहा गया था कि आपका शिक्षक बनना तय है। यानी अगर आप एस्टेट 2019 उत्तीर्ण कर लिए हैं यानी क्वालिफाइड हैं तो निश्चित ही आप शिक्षक बनेंगे। इसमें क्या हुआ, अभ्यर्थी अपने घर पे खुशी खुशी बताए होंगे, निश्चित ही मिठाई आसपास में जरूर खिलाए होंगे, लेकिन अभी जो जारी हुआ उसमें बताया गया कि आप मेरिट लिस्ट में नहीं है। जाहिर सी बात है कि मेरिट लिस्ट में अगर आप नहीं आते हैं तो आप शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाएंगे, यानी जब भी स्टार्ट होगा वो माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक में। अब यहाँ अभ्यर्थी भयभीत हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, हमने मिठाई खिलाया था और भी चीज़ें की थी, अब मेरा इंसल्ट भी होगा, जिसके कारण शिक्षा विभाग ने अभी उनके पक्ष में निर्णय ले लिया दैनिक भास्कर के अनुसार कि वो सभी अभ्यर्थी उसमें शामिल होंगे। अब देखिए यहाँ मेन मुद्दा क्या आता है, यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा होता है। मैं किसी का पक्ष या विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल सा क्वेश्चन कर रहा हूँ और ये क्वेश्चन मैं आपसे भी करूंगा, आप मेरिट लिस्ट में हो या नहीं मेरिट लिस्ट में। सहानुभूति है, मुझे सहानुभूति है जो नॉट इन मेरिट लिस्ट में उनके साथ सहानुभूति है। सहानुभूति यह है कि आपने हो सकता है कि आपका मैरिज हुआ हो सकता है आपने मिठाई खिलाई, बहुत दुख लगता है जब आप क्वालिफाई होते हैं, सभी घर वाले जानते हैं कि आपकी जॉब होगी और उसके बाद पता चलता है कि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, यानी आप नॉट इन मेरिट लिस्ट में आ गए। बहुत दुख लगता है, बहुत जगह फ़ोन करके बताया जा चुका होता है, मतलब बहुत दिक्कत थी कि हम जानते हैं। लेकिन यहाँ पे ये एक प्रश्न खड़ा होता है, सपोज कीजिए कि अभी जो हो रहा है वहाँ जितने सीट हैं उतने अभ्यर्थी क्वालिफाई हो रहे हैं, उन लोगों को उतना सीट वाइज रिजल्ट दे दिया गया, वो भी कैटेगरी वाइज। अभी जो बचे हुए अभ्यर्थी हैं जो नॉट इन मेरिट लिस्ट में हैं, उनका क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कितने वो टोटल अभ्यर्थी हैं। को ये सबसे पहले गवर्नमेंट को क्लियर करना होगा, एक सूची जारी करना चाहिए कि टोटल कितने अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। इसके साथ ही मैं जानता हूँ कि कमेंट सेक्शन में कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी कमेंट करेंगे जिनको ये नहीं पता कि ये तो पहले ही बताया जा चुका है कि 16,000 ही केवल अभ्यर्थी क्वालिफाइड हुए हैं, लगभग 16,000 और अभी जोड़ के जो टोटल 24,000 या समथिंग जितना है उतना ही या लगभग 30,000 के करीब में सारा चीज़ लेके जारी किया गया है, इतना ही उत्तीर्ण हुए हैं। मैं बताता चलूँ कि अगर आप अच्छे तरीके से समझेंगे, अंदर जाएंगे, आपको पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए हैं, तभी इस तरह का दिक्कत आया है। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो मेरिट लिस्ट में ये दिक्कत नहीं आया होता। तो इतना याद रखिए, इतना क्लियर आप समझिए कि अभ्यर्थी जितना सीट है उससे ज़्यादा उत्तीर्ण हुए हैं। ये गलती बिहार बोर्ड की है, ये गलती शिक्षा विभाग का है जो जिन्होंने जिस तरीके से उन्होंने कहा, लेकिन उत्तीर्ण ज़्यादा अभ्यर्थी हुए हैं। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि इसमें स्टेट 2011 वाले अभ्यर्थी भी भाग लेंगे। एक तो उत्तीर्ण ज़्यादा, ऊपर से स्टेट 2011 वाले अभ्यर्थी भी भाग लेंगे, उनके साथ भी सहानुभूति है, उससे हमको कोई बहस नहीं है कि उनके साथ मतलब दिक्कत है, मुझे कोई बहस नहीं है, वो भी भाग लेंगे, ये भी भाग लेंगे, सारे अभ्यर्थी भाग लेंगे। हमें संख्या नहीं पता कि टोटल कितनी होगी, लेकिन अच्छी खासी संख्या होगी, सीट से ज़्यादा संख्या होगी जो भी बहाली होगा। जहाँ सबसे बड़ा प्रश्न कि क्या उतना सीट होगा, यानी जितने अभ्यर्थी होंगे उतना सीट होगा नहीं, को फिर से सड़क पे देखते हुए मिल जाएंगे वो स्टेट अभ्यर्थी यानी उत्तीर्ण है। मैं इसलिए कह रहा हूँ इस बात को, इसलिए क्योंकि आप कल ही अप्लाई करेंगे और इससे संबंधित आपको दिक्कत होगा, निश्चित दिक्कत होगा। अगर हो सकता है कि आप सड़क पे घूम रहे होंगे, स्टेट उत्तीर्ण है लेकिन शिक्षक आप नहीं बन पाएंगे। 2011 से अभ्यर्थी अभी तक परेशान है, वही फिर से नियम आ सकता है। तो इसके लिए आपको फिर से, अगर ये सारी चीज़ लेटर वगैरह अधिसूचना जारी हो जाता है, तो फिर से आपको फाइट करना होगा, सभी को फाइट करना होगा कि सबसे पहले आप बताइए कि संख्या ओरिजिनल हमारी कितनी है। संख्या आपको जानना बहुत ज़रूरी है और उसके हिसाब से आपको स्टेट 2011 को जोड़ते हुए उतना सीट के लिए बहाली भी निकलवाना बहुत ज़रूरी है। ये आपके लिए मैं प्रश्न रख रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप ही सड़क पे घूमिएगा, आप ही इधर उधर जाइएगा। हो सकता है कि गवर्नमेंट ऐसा कर रही है तो इस पे भी कुछ अभ्यर्थी जो मेरिट लिस्ट में वो कुछ कर सकते हैं, मतलब ऐसा बातचीत में आ रहा है, लेकिन क्या कुछ होगा वो अपडेट हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन फिलहाल ये एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होगा निश्चित, क्या उतना सीट क्या बिहार सरकार जारी करती है।
बहुत बड़ा प्रश्न है, निश्चित ही उन्हें जारी करना चाहिए। इसके लिए अभ्यर्थियों को एकजुट होकर, ऐसा नहीं कि हम मेरिट लिस्ट में, मेरिट लिस्ट में नहीं है, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। सबसे पहले कोर्ट कचहरी में जाने से पहले आपको बिहार सरकार से आपको बातचीत करनी चाहिए। वो अगर तैयार होते हैं, हाँ हाँ जितना सीट है उतना सीट की, मतलब जितना अभ्यर्थी उतना अभ्यर्थी को हम जॉब देंगे, निश्चित रूप से वो भाग लेंगे और सभी को जॉब मिलेगा, तो एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी और निश्चित ही आपके घर में खुशियाँ आएगी और एक सियोरिटी हो जाएगी कि आपको एक जॉब मिलेगा ही। तो ये काम आप ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद ये अधिसूचना अगर जारी हो जाती है, अगर ये न्यूज़ सही होता है तो। फिलहाल और भी आपके मन में बहुत सारे प्रश्न होंगे तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। आज इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे हैं कि हम कहाँ फंसे हुए, चारों तरफ मतलब आवाज़ वगैरह आ रहा, मेरे गले से आवाज़ भी नहीं निकल पा रहा साहब अच्छे तरीके से, तो थोड़ा सा मैं परेशान भी हूँ, अच्छे तरीके से अपने बातें भी शायद नहीं रख पा रहा हूँ। लेकिन जल्दी जैसे ही फ्री होऊंगा तो सारी चीज़ स्पष्ट तरीके से और अच्छे से रखने की कोशिश करूँगा। और मैं 2-3 दिनों से सो भी नहीं पा रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ जैसे ही स्टेबल्ड होता है मेरे लाइफ में, वैसे ही आपके सामने फिर से प्रस्तुत हो पाऊँगा। फिलहाल आपको एक एक अपडेट किसी के भी थ्रू देने की कोशिश करता रहूँगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।